अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एमएस वर्ड में जो है ना पेज की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, और जो कि हमारी पेज की सेटिंग इस टाइम मौजूद है लेआउट डिज़ाइन में, इस तरह हम लेआउट में जाके पेज के जो है ना साइज को किस तरह सेट एज डिफॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाले अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी मैम, सबसे पहले हम आ जाते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले जो है ना लेसन में मैंने आपको डिज़ाइन टैब के रिलेटेड बताया, और उसके साथ ही साथ पिछले लेक्चर्स में मैंने होम टैब, इंसर्ट टैब के रिलेटेड आपको डिटेल से बताया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम आज अपने पेज को किस तरह सेट कर सकते हैं बिफोर वर्किंग, किस तरह हम इसको इसके लेआउट को सेट कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, लेआउट वाला जो है ना मेन्यू हमारे पास खुल चुका है। सबसे पहले मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि हम जो अपनी जो है सेट एज डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है उसमें हम नॉर्मल जो है ना साइज को इजीली यूज कर सकते हैं। नॉर्मल साइज में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास हेडर, फुटर और लेफ्ट एंड राइट से हमारे पास एक एक इंच का स्पेस गैप जो है कि ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि आप यहाँ पे कोई भी सेटिंग को आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप लेफ्ट, बॉटम एंड राइट, राइट लेफ्ट एंड बॉटम एंड टॉप पे आप देख सकते हैं कि 0.5 इंचज का जो है ना वहाँ पे बॉर्डर छोड़ा गया है। अगर मैं बिल्कुल नैरो को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये देखें कर्सर हमारा सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे टॉप पे चला गया है। एज इट इज़ आप अपने जो है ना इस पेज की सेटिंग, किसी भी किस्म की सेटिंग को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज पे यूज़ होने वाली सेटिंग है वो नॉर्मल मोड को एक्टिवेट करने से हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि अगर आपने आप वाइड एंगल पे भी अपने जो है ना इस डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी आप तैयार करते हैं तो उसे आप वाइड एंगल पे एंड मॉडरेट पे भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसमें डिफरेंस बेसिकली आपको बताता हूँ कि डिफरेंस ये आप देख सकते हैं लास्ट कस्टम सेटिंग में आपको ये डिफरेंस थोड़ा सा टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट में आपको स्पेसिंग का थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल हमारी यूजेज होती है। वो हमारी नॉर्मल फॉर्मेटिंग हमारी सेटेज डिफॉल्ट ऑलरेडी हुई होती है, ठीक है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या डिफरेंस है। अगर तो आप अपने पेज को 90 के एंगल पे जो है ना उसमें अपनी प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन को अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं देन आप पोर्ट्रेट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप लैंडस्केप के मूड को एक्टिवेट करेंगे तो तब आपका ये पेज कुछ वर्टिकल यानी कि उसकी आपको देखने को मिल जाएगा। ये था डिफरेंस जो है ना पोर्ट्रेट और जो है ना इसमें लैंडस्केप में। मोस्टली हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो हमारी पोर्ट्रेट मोड में होती है। और उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन पेज के साइज का। स्टैंडर्ड साइज में यूज होने वाला पेज जो हमारा है वो है A4 साइज का पेज, जिसका साइज है 8.27 इंचज बाय 11.69 इंचज, जो कि हमारा स्टैंडर्ड साइज का जो पेज सेटअप हमारे पास यहाँ पे यूज होता है। इसको हम मोस्टली जो है ना जो हमारा पेज का स्टैंडर्ड साइज होता है जिसपे हम अपनी कॉपी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं वो A4 साइज को हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह एज इट इज आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसी भी किस्म के जो है ना इस पेज के सेटअप को इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो वो हमारा जो है ना लीगल पेज या A4 साइज का पेज हमारे पास यहाँ पे यूज होता है। तो जी व्यूअर्स, इसके साथ ही साथ आपको बताता चलूँ यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम्स देखने को मिल जाते हैं। कॉलम्स से मुराद वन रो, टू रो और थ्री रो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सबसे पहले मैं रैंडम के फॉर्मूले को एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक टू रो कॉलम को मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मेरे पास मैं इसे यहाँ पे एक दफ़ा फिर पेस्ट करता हूँ तो ये हमारे पास जो है ना ये सेकेंड जगह पे भी पेस्ट हो जाएगा।
इसको मैं कंट्रोल ए करने के बाद कॉपी करता हूँ और देन एज इट इज इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास टू कॉलम यानी कि दो कॉलमों में डिवाइड हो चुका है। इसे मैं जहाँ से चाहूँ एक कॉलम में भी डिवाइड कर सकता हूँ एज इट इज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल ए करने के बाद मैं इसे थ्री कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकता हूँ। और जिस तरह का फॉर्मेट आप पर्सनली यूजेज के लिए बनाना चाहें, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, या आप वन साइडेड यानी कि आप सीक्वेंस से बनाना चाहें तो इजीली आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें पेज ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेज ब्रेक से मुराद ये है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, आप एक एक्स्ट्रा शीट लेने के लिए आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ये एज इट इज वही पुराना रूल है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे आया था लाइन नंबर। लाइन नंबर से मुराद ये है कि आप जितनी भी आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपकी लाइंस यूज हुई है उसको आप कंट्रोल ए करने के बाद इजीली उसको टोटल काउंटिंग को ऑटोमेटिकली जो कि अप्लाई हो जाएगी उसको आप इस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हमें देखने का ऑप्शन नीचे मिल जाता है हाइपरलिंक का। हाइपोटेंशन का ऑप्शन मिल जाता है हमें। इसमें आप देख सकते हैं कि हम ये बेसिकली हमारे पास जो है ना हमारे एमएस वर्ड में इसका यूजेज बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसका जो है ना यूजेज ज़्यादातर मोस्टली बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल में जाके इसका इस्तेमाल होता है। और इस वजह से हम इस चीज़ को ये जो है ना हमें इसको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे स्पेसिंग का एक मैनुअली जो है ना प्रोसेस हमें देखने को मिल जाता है। स्पेसिंग हम लेफ्ट से भी अब जितनी स्पेसिंग रखना चाहे आप इजीली रख सकते हैं। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैं स्पेसिंग को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरी जो टेक्स्ट राइटिंग है वो ऑटोमेटिकली इन साइड से यानी कि अंदर वाली साइड पे कम हो रही है। इसी तरह मैं जो है ना जिस तरह स्पेसिंग को बढ़ाऊंगा एज इट इज उसके जो है ना साइज में और जगह में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेसिंग हम अपनी मर्जी से भी यहाँ पे जो है ना उसको मैनेज मैनुअली तरीके से कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी तरह की इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।